हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि इधर फेवर ब्लॉक है जो सड़कों पर सड़कों बनते हैं इसी ब्लॉक से। सो हमारे घर के नज़दीक एक फैक्ट्री है ऐसा जो फेवर ब्लॉक बनाता है इधर। तो सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इधर क्या लगता है। सिर्फ लगता है 10 mm का सिर्फ और सैन चाहिए। अभी भी फैक्ट्री बंद है, शायद लॉकडाउन के वजह से फैक्ट्री बंद है। अभी भी कोई लेबर सेबर नहीं है इधर, तो अभी बंद है फैक्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं इधर शिप चाहिए, सैंड चाहिए और सीमेंट चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इधर ये ऊपर है जो इधर लेबर लोग इधर टगरी से आके माल इधर फेंकता है। उसके बाद आप लोग फेंकने से बाद ऑटोमेटिक है मशीन, ऑटोमेटिक। उसके बाद ये जो बेल्ट देख रहे हैं ना, ये बेल्ट ऑटोमेटिक मिक्सर में जाती है। मिक्सर में जाकर ये मिक्सर मशीन है, ये भी ऑटोमेटिक है। इधर भी एक ऑपरेटर लगता है, जब माने मशीन चालू रहता है, जब जब मशीन चालू होता है तब तब इधर भी एक ऑपरेटर रहता है। जो सामने जो बेल्ट रहता है इधर नीचे है कि इधर गिरता है। उसके बाद ये मिक्सर जो रोलर है, ये वाला रोलर है, ये घूरता है ऐसे। जब चालू में ये रोलर ऐसे घूमता है, सब सीमेंट वाटर सैंड सिप सब इधर मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद आप लोग, उसके बाद ये गेट है, हाइड्रोलिक गेट है। इधर स्विच दबाने से ये जो है गेट ये निकल आता है। उसके बाद माल नीचे गिरता है। उसके बाद ये दूसरा गेट है, दूसरा बेल्ट है, दूसरा बेल्ट। ये बेल्ट अपने आप घूरता है, घूर के इधर इधर जो देख रहे हैं ऊपर बड़ा बड़ा मशीन का उधर गिरता है। उसके बाद नीचे आता है, ये है इसके नीचे आता रहता है। उसके बाद ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली आगे पीछे करता है ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली ऐसे आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे घूमता है ऐसे। घूमने के बाद वो जो देखा है डाइस या मोल्ड है, उसको मोल्ड कहते हैं। ऊपर नीचे इतिहासा है तो माल आता है। उसके बाद वो जो देख रहे हैं प्लाई है, प्लाई रखा हुआ है 2-3 उधर। तो प्लाई से खींच के लेके आता है, हाइड्रोलिक से खींच के लेके आता है। उसको मोल ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रॉली आता है। उसके बाद मोल ऐसे खींचता है, प्रेशर देता है, प्रेस करने के बाद प्रेशर देता है। उसके बाद ब्लॉक बन जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं प्लाई है, इसमें 3 प्लाई है। तो इसमें से ऐसे आता है, उसको ऐसे आने से बाद ये स्टिकर है, स्टिकर है, स्टिकर ऊपर आता है। आप लोग देख सकते हैं स्टिकर है, स्टिकर ऐसे ऊपर खींच के इधर आके रुक जाता है। उसके बाद लेबर लोग इसे ट्रॉली से लेके जाता है। तो ट्रॉली आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा ट्रॉली यूज करता है। ये है ट्रॉली जो इधर लेबर लोग ऐसे खींच के लेके जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें और भी खासियत है, ये हाइड्रोलिक है, ऑटोमेटिक मशीन है, ये हाइड्रोलिक फेवर मशीन है। इसका मशीन का नाम है ओनिक्स, देख सकते हैं आप लोग उधर लिखा हुआ है ओनिक्स एनिको है इसका मशीन का नेम। सो गाइस, यहाँ पर केबिन है, ये केबिन के अंदर एक पैनल है जो उधर ऑपरेटर बैठ के मशीन स्टार्ट करता है। उसी से सब कुछ होता है, बेल चालू भी होता है, मिक्सर भी होता है, सब कुछ उसी केबिन से ही ऑपरेटर सब कुछ कर सकता है। तो अच्छा है ये मशीन फेवर ब्लॉक के लिए, बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं इधर जो ब्लॉक है, अभी 9 लाख से ज़्यादा है ब्लॉक। इस मशीन ने कितना प्रोडक्ट दिया है, इसका ऑपरेटर के हिसाब से इस मशीन जो प्रोडक्शन किया है अभी तक 40 लाख से ज़्यादा प्रोडक्शन दिया है। लेकिन एक ही बार वो मॉल चेंज किया, उसके बाद और कोई मॉल चेंज किया ही नहीं। तो बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी का ये मशीन है, 40 लाख फेवर ब्लॉक प्रोडक्शन कर दिया ये मशीन, तो कितनी अच्छी बात है। सो गाइस, काफ़ी शानदार मशीन है। इधर आप लोग देख सकते हैं 9 लाख से भी ज़्यादा फेवर ब्लॉक है अभी। देख सकते हैं आप लोग,
ब्लॉक का साइज थोड़ा ओवर साइज है, मैंने दूसरी फेवर ब्लॉक से थोड़ा ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और ज़्यादा बिग साइज का है। वो तो थोड़ा स्मॉल होता है, जो हम देखा है सड़कों पर जो ब्लॉक है फेवर ब्लॉक, वो थोड़ा स्मॉल है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये फेवर ब्लॉक का जो मशीन है इसके बारे में मैंने जो बोला आपको वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स।